Good morning, students. Today, myself, Preetpal, from Computer Department, JPS Academy, Sun, will be covering your session 3rd, that is formatting pages, spell check and autocorrect utilities of unit 1st, that is your word processing elementary. In the last 2 sessions, we have covered that what is word processing क्या होता है, ठीक है, and settings करना writer के अंदर कुछ, और documents को format करना, जैसे formatting, paragraph formatting हो गई आपकी, and your character formatting was there, and in this we will be doing formatting the pages, spell check and autocorrect utilities beta. In the intro of this chapter, they are saying that no doubt in the previous session we have learned how to create, edit. Create means banana, edit means usme kuch galtiyan sudhar karna ya waise hi kuch changes karna, and format usme kuch usko aur attractive banana, kiske andar, writer ke andar. While टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, हम ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम टाइप कर रहे होते हैं, कई बार हम लोग स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, उसमें एरर्स हो जाती हैं. नाउ हाउ टू करेक्ट दैट थिंग, तो कहते हैं राइटर्स हमें बहुत अच्छी यूटिलिटीज देता है, टूल्स देता है, जिसकी हेल्प से हम स्पेल चेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं. सिमिलरली दे आर सेइंग यू मे वॉन्ट, देयर शुड बी टूल, ऐसा टूल हो जो अपने आप करेक्ट करे आपकी एरर्स, ठीक है. मान लो कुछ मैंने एब्रीवेशंस दी हैं, तो उसका फुल फॉर्म वो अपने आप दिखा दे, हाउ नाइस इट इज गोइंग टू बी देयर ना. तो ये इसमें है ऐसी फीचर, वो है आपका ऑटो टेक्स्ट. अपने आप मैंने कुछ गलती की है तो उसमें सुधार हो जाए, ऑटो करेक्ट. स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखाए, वो भी इसमें पॉसिबल है, किसके अंदर, ओपन ऑफिस राइटर के अंदर. अब आपकी पहली फीचर्स है यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक. स्पेल चेकिंग एंड मेकिंग करेक्शन अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर, नो डाउट. कितनी अच्छी फैसिलिटी है कि हम लोग अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हैं तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखाता है, और साथ में और अच्छी बात कि हमें सजेशंस भी देता है, ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं. बट हाउ इट इज़ डन, बिकॉज ड्यू टू द इंटरनल अवेलेबल डिक्शनरी इन द राइटर. ओके, यू कैन हैव योर पर्सनल कस्टम डिक्शनरी आल्सो, आप अपनी खुद की डिक्शनरी भी बना सकते हो, है ना, उसके अंदर डाल सकते हो, और यू कैन यूज़ इट इन अ राइटर बेटा. नाउ इन द नेक्स्ट पेज दे आर टेलिंग अबाउट हाउ टू करेक्ट द स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर. ठीक है, हम स्पेलिंग चेक और ग्रामर कैसे कर सकते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं. वन इज़ योर ऑटो स्पेल चेक, है ना, और दूसरा आपका अपने टूल के थ्रू आप कर सकते हो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑटो स्पेल चेक अगर आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही आप टाइप करते हो, राइटर विल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेक योर डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, और जो भी स्पेलिंग मिस्टेक उसमें आती है उसको वो शो करेगा, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक है या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, और उसको एरर को हम ठीक कर सकते हैं. जहाँ पे आप देखो ग्रीन लाइन, जी फॉर ग्रामर ना, एंड जी फॉर ग्रीन लाइन, जहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसके नीचे ग्रीन वेवी लाइन आ जाएगी बेटा, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है. और फिर हम उसके ऊपर शॉर्टकट मेन्यू यूज़ कर सकते हैं, मीन्स राइट माउस क्लिक करके जो ऑप्शंस आते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट मेन्यू. हम उसकी हेल्प से राइट माउस क्लिक करके, शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा, उसकी हेल्प से हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस देते हैं वो उस स्पेलिंग से रिलेटेड, अगर हमें ठीक लगता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं सेम. एंड व्हेन यू फिनिश क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू कैन हैव अ राइटर. ये तो हो गया, ऑटो स्पेल चेक भी आपको दिखा रहा है, एक्टिवेट हम करते हैं तो साथ साथ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता रहेगा राइटर, और हम राइट माउस क्लिक करके उसके सजेशंस देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं न्यू स्पेलिंग को.
और दूसरा तरीका इन्होंने बताया है कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट का सारा काम कर चुके हैं, लिख चुके हैं, और हम देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, तो तब हम लोग एक रन कर सकते हैं इसके टूल, डैट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, जो टूल मेन्यू के अंदर होता है, ठीक है, या इस आइकन पर क्लिक करके कहाँ से, स्टैंडर्ड टूल बार पर, तो जहाँ हमारा कर्सर होगा उससे आगे आगे वो स्पेलिंग मिस्टेक दिखाना शुरू कर देता है। अब ऑटोमेटिकली वाला जो पहला ऑप्शन है उसको कैसे आप कर सकते हो, तो हमें एक्टिवेट, मैंने कहा था ना, करना पड़ेगा, कैसे, आप स्टैंडर्ड टूल बार पे इस तरह का एक आइकन होता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, फिर आप राइट क्लिक करो, जहाँ पे भी आपको अंडरलाइन मिल रही है वहाँ पे राइट माउस क्लिक करो और उसके ऑप्शन सजेस्टेड जो रिप्लेसमेंट है अगर आपको ठीक लगती तो आप यूज़ कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है और फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेन्यू, या आप सब मेन्यू ऑटो करेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब ये आपका, सॉरी दिस वन मींस, आपने जो राइट माउस क्लिक किया उसमें एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है, मतलब ये तो कुछ सजेशंस हो गई जो इन्होंने दे रखी हैं, या राइट माउस क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है जो है ये आपका ऑटो करेक्ट है ना, तो वहाँ से ऑटो करेक्ट से आप उसकी ऑप्शंस वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द टू वेज इन विच वी कैन गो फॉर द करेक्शन। या हम ये चाहते हैं कि ये वाला वर्ड हम लोग ऐड कर लें अपनी डिक्शनरी के अंदर, तो वो भी हम कर सकते हैं, ये देखो ये भी राइट माउस क्लिक से हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और वी कैन डू दिस थिंग। और अगर आप चेकिंग स्पेलिंग मैनुअली करना चाहते हो, है ना, खुद करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली नहीं करना चाहते हो, तो ऑप्शन है टूल मेन्यूज के अंदर जाके आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो, ठीक है, मैंने पॉसिबल जो भी आपको एरर लगेगी, है ना, इनकाउंटर होगी, तो स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ओपन ऑफिस और विल गिव सम सजेशन करेक्शन एंड यू कैन गो फॉर दैट। सो मींस आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चाहिए तो आप खुद मैनुअली कर लो भी वो स्पेलिंग्स दिखा, या तो ऑटोमेटिकली जो पहला ऑप्शन है, या टूल्स में जाके स्पेल एंड ग्रामर और फिर स्पेल चेक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप अपनी सजेशंस जो भी आपको ठीक अगर लगती हैं वो देता है, आप चूज़ कर सकते हो। तो डू वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, टू एक्सेप्ट अ करेक्शन, अगर आपको लगता है कि हाँ ये करेक्शन ठीक है, इसके लिए ये सजेशन ठीक है, आप वो लेकर उसको सिलेक्ट करके चेंज पे कर दो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेंटेंस इन द अपर टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक चेंज टू एक्सेप्ट दिस एडिटिंग, या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, या टू ऐड द अननोन वर्ड टू यूजर डिफाइंड डिक्शनरी, जैसे मैंने पहले कहा था आपको वो करना चाह रहे हो तो आप ऐड पे क्लिक कर दो सिंपली। ओके बेटा, अब ये देखो ये दे रखा है, जैसे ही आपने स्पेल एंड ग्रामर पे क्लिक किया ना, ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पर, थ्योरेटिकल बता रखा था, अब उसकी जो विंडो आती है ये आ गया बेटा, अब ये सजेशंस आ रही हैं, अगर आपको इनमें से कोई सजेशन पसंद है आप उसको क्लिक करके आप किस पे क्लिक कर सकते हो, दैट इज़ योर चेंज, आप चाहते हो जहाँ ये जहाँ जहाँ वर्ड मिले वहीं पे आप सारे चेंजेस कर दो, तो आप चेंज ऑल पे कर दो बेटा। अगर आपकी डिक्शनरी में नहीं है, आप इसको डालना चाहते हो अपनी डिक्शनरी को, इस वर्ड को, है ना, तो आप ऐड कर सॉरी बेटा, आप इसको ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है ये वैसे ही उसमें आ गई, तो तब आप क्या सिंपली कर सकते हो, इग्नोर भी उसको कर सकते हो बेटा। सो इफ व्हाट इफ द स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल, वो वर्क ही नहीं कर रहा, ये हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज उस टाइम पे ऑन ना हो, वो उसको देख ना पा रही हो डिक्शनरी आपकी, तो उसके लिए भी वे है हमारा, वो क्या चीज़ है। अब व्हेन द स्पेल चेक डज नॉट वर्क एट ऑल, सिंपल डोंट पैनिक, दुखी मत हो, व्हाट इज देयर, समटाइम्स स्पेल चेक डज नॉट वर्क If the default language for the document does not have a installed dictionary नहीं है जो आपने ले रखी, for instance for English Indian dictionary is not installed, so if you default language is English India you may find that spell check is not working, जब वो है ही नहीं तो, so to get the spell check done you need to change the language of it। अब ये कैसे करना है, tools menu में जाके आपने option आ जाएंगे जब क्लिक करोगे, वहाँ से आपने language पे क्लिक करना है, देन फॉर ऑल टेक्स्ट और उसमें से मोर पे क्लिक कर दो, या टूल्स में जाके ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर लैंग्वेज सेटिंग में करो और वहाँ से लैंग्वेज में करो, तो फिर आपका दोबारा से एक विंडो खुलकर आ जाएगी जहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो।
ठीक है, एक आइकन आएगा, आप इस पर क्लिक कर दो एंड इट विल बी स्टार्ट वर्किंग इट। अब ये देखो आगे दिखा रखा है। आपने टूल्स में जाके ऑप्शन पे कहा था यहाँ पे कि टूल्स में जाके ऑप्शन पे क्लिक करो, देन लैंग्वेज सेटिंग पे करो, फिर लैंग्वेज में करो, है ना। तो सेम थिंग देखो, ऑप्शन पे किया, ये आपका ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ गया, ये लैंग्वेज सेटिंग आ गई। लैंग्वेज सेटिंग से किस में चेक करना है आपने, लैंग्वेज में करना है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिफॉल्ट लैंग्वेज इन डॉक्यूमेंट में जाके ये देखो, ये स्पेल चेक वाला वो जो सिंपल वो कह रहे थे, इस पर क्लिक किया गया। इट्स ओके, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। ये देखो, ये बड़ा करके इन्होंने भी दिखा रखा है यहाँ पे, ये इन्होंने स्टेप कह रखे हैं, और वो देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके बटन, और हमारी डिक्शनरी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी बेटा। फिर नेक्स्ट आ गया द ऑटो करेक्ट फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली। अब ये क्या फीचर है, ऑटो करेक्ट फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग मिस स्पेलिंग दैट यूजर जनरली डू। अब मुझे पता है कि मैं जनरली कोई स्पेलिंग करती हूँ, जैसे मेरे को कंप्यूटर लिखना है, मैं पी मिस कर देती हूँ, और मुझे ये चीज़ पता है। मैं चाहती हूँ अगर मैं कर भी दूँ ना, तो उस वो अपने आप ऐड कर दे पी वहाँ पे, COMPUTR, तो वो ऑप्शन है इसके अंदर, बहुत अच्छी वर्ड के अंदर फीचर है, डैट इज़ योर ऑटो करेक्ट बेटा, है ना, वी कैन यूज़ इट। अभी कैसे करना है, टूल्स मेन्यू में जाके ऑटो करेक्ट पे बेटा क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, ये मेरी ऑटो करेक्ट वाली विंडो आ जाएगी बेटा। अब मैं किस वर्ड को किससे रिप्लेस करना चाहती हूँ, COMUTR को किससे करूँगी मैं, COMPUTER से, तो अपने आप क्या हो जाएगा, जब मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है उसको, तो देन इट विल बी एबल टू डू इट। फिर आपने किस पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, या ये देखो आपको टूल्स में जाके ये बता भी रखा है, टूल्स में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स आ गया बेटा, यहाँ पे रिप्लेस करो आप जिससे करना है आपने, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द न्यू बटन एंड देन ऑन ओके। यू विल सी अ लिस्ट विद मैनी एंट्रीज, कौन सी लिस्ट बेटा, ये वाली जो है, दिस इज द डिफॉल्ट लिस्ट बट यू कैन एड अ न्यू एंट्रीज इन इट। इन द ऑटो करेक्ट डायलॉग टाइप द न्यू मिसपेलिंग अंडर रिप्लेस एंड विद के साथ जो आप न्यू चाहते हो, और न्यू बटन पे क्लिक करो, देन यू क्लिक ऑन ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। टू स्टॉप राइटर फ्रॉम रिप्लेसिंग अ स्पेसिफिक स्पेलिंग इन द ऑटो करेक्ट, तो फिर आप डिलीट पे क्लिक कर दो। आप जैसे यहाँ पे दे रखे ना ऑप्शन, मैं चाहती हूँ कि करेक्शन ना करे, तो आप सिंपली सिलेक्ट करके हम किस पे क्लिक कर देंगे, डिलीट, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट बेटा, ओके। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है, डैट इज़ योर ऑटो टेक्स्ट बेटा। अब ये ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, समटाइम यू वॉन्ट डेट मोस्टली यूज और द मोस्ट कॉमन और बिग फ्रेज, मतलब काफ़ी बड़ा है जो मुझे सेंटेंस या कोई फ्रेज है या कुछ वर्ड्स हैं काफ़ी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार ना लिखूँ, ठीक है, उसके लिए मैं एक शॉर्टकट बना लूँगी और सिंपली वो शॉर्टकट लिखूँ और वो सारी चीज़ मेरी आ जाए जो मैं चाहती हूँ, है ना। तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ऑटो टेक्स्ट फीचर बेटा। Sometimes you want that mostly used or the most common or some big phrases should be automatically added as soon as the small code is entered. It makes typing easier. Naturally, it is going to make easier. एक small word डाल रही हूँ तो उसकी जगह पर पूरा text आ रहा है जो बड़ा सा था, है ना। Auto text allow you to assign text, table, graphic and the item to a key combination. For example, rather than typing sales manager every time you use that phrase, you might use type SM and press F3. बस वो शॉर्टकट करके आपने F3 प्रेस करना है एंड द वर्क विल बी डन। अब ये स्टेप्स भी बताए हुए इन्होंने, हमने एडिड में जाके किस पे क्लिक करना है बेटा, ऑटो टेक्स्ट पे। किस पे क्लिक करना है, एडिड में जाके ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट बेटा ये बटन आ जाएगा आपके, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, दिखा भी रखा है। एडिड में जाके ऑटो टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। अब उसका नेम यहाँ पे डिफाइन करो और फिर जो शॉर्टकट आपने देना है वो दे दो। फिर आपने ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और वहाँ से आपने क्लिक करना है न्यू टेक्स्ट ओनली पे। इसको करने के बाद, है ना, तो फिर आपने किस पे क्लिक कर देना है, क्लोज पे बेटा। अब जैसे ही आप क्लोज पे कर दो, ठीक है, फिर सिंपली वर्क एरिया में जाओ जहाँ आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अपना जो शॉर्टकट है वो आप लिखो और उसके बाद क्या प्रेस कर देना, F3, एंड यू विल सी डैट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय the word which you wanted. अब जैसे इन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल को क्या नाम दे दिया, स्मॉल वर्ड दे हैव गिवन इट, है ना, तो आप वो वाला टाइप SSS दे दिया।
अब मैं जब SS करके F3 टाइप करूँगी तो उसकी जगह क्या लिखा हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा बेटा। हाउ नाइस इज ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वो है इंसर्टिंग ब्रेक्स। क्या है आपका? इंसर्टिंग ब्रेक्स बेटा। ब्रेक मीन्स है ना बीच में कोई चीज़ को ख़त्म करना, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ब्रेक आए। देखो वैसे तो देखो एक पेज के बाद दूसरा आता है पेज, तो वो भी एक ब्रेक है, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। लेकिन कई हम मैनुअल ब्रेक भी देते हैं कॉलम के अंदर, पेज के अंदर, लाइन के अंदर। सो हाउ वी कैन डू इट, है ना। कई बार हमारी नीड ऐसी हो जाती है कि हमारी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो हम कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट में जाके आपने किस पे क्लिक करना है? मैनुअल ब्रेक में, ठीक है। तो आपका इंसर्ट ब्रेक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। ये देखो इस तरह इंसर्ट में जाके मैनुअल ब्रेक, मैनुअल इंसर्ट ब्रेक डायलॉग बॉक्स विल बी देयर। अब आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो, कॉलम या पेज ब्रेक, जो भी हम चाहते हैं वो लेकर, स्टाइल किस तरह का, ब्रेक किस तरह लुक आए, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके एंड द ब्रेक कैन बी इम्प्लीमेंट ओवर देयर। कई बार होता है कि हम पेज बीच में ही एंड करना चाहते हैं, या कोई कॉलम हम नहीं चाहते कि वो पूरी ख़त्म हो तब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएं। मीन्स हमारी नीड इस तरह की कि हम इन बिटवीन ब्रेक चाहते हैं, तो डैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ योर मैनुअल ब्रेक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा पेज फॉर्मेटिंग। पेज को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं कुछ ऑप्शंस लेके, एंड दिस इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। इट इज़ पॉसिबल। कैसे? फॉर्मेट में जाके पेज पे क्लिक करेंगे, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना, एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गो फॉर। अब जैसे पेपर का साइज है ना, पेज का साइज हो सकता है वो हमने चेंज करना है, तो डैट इज़ आल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इट। और भी मार्जिन्स वगैरह करनी है वो भी हम कर सकते हैं बेटा, ओके। अब जैसे ये आ गया आपका, है ना, ये आपने पेज पे क्लिक किया, फॉर्मेट में जाके ये ऑप्शन, फॉर्मेट में जाके पेज पे क्लिक किया, एंड देन दिस पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स इज गोइंग टू बी देयर। वहाँ से पेज टैब पे क्लिक करना है। किस पे करना है? पेज टैब पे। अगर हम पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेशन में हमने किया था कि लेंथ वाइज प्रिंट करना चाह रहे हो या विथ वाइज करना चाह रहे हो, तो आप उस हिसाब से पोर्ट्रेट या लैंडस्केप ले सकते हो। मार्जिन सेटिंग्स हम यहाँ से कर सकते हैं ना, वी कैन गो फॉर इट आल्सो फ्रॉम दिस पेज वन। अगर हमने कॉलम में चेंज करनी है तो हम कॉलम के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमने हेडर डालना है, हेडर पे क्लिक कर देंगे। फुटर डालना है अपने पेज पे, तो फुटर पे कर देंगे। हेडर क्या होता है? जो हर पेज के ऊपर आता है, एट द टॉप ऑफ द पेज हम जाते हैं जब प्रिंटिंग करें, हर टॉप पे, हर पेज के टॉप पे सम एक्शन, समथिंग शुड बी डिस्प्लेड, तो डैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द हेडर। अगर हम चाहते हैं बॉटम पे डिस्प्ले हो, तो देन वी क्लिक ऑन फुटर and the option will be there as we have done practically also in the session first, and then we are going to click on the OK button beta from here. Now the same thing they are telling about, you can use page orientation, aap change kar sakte ho, margin change set kar sakte ho, or with the help of ruler bar also we can do, hai na. Margin hum pehle kar chuke hain. Margins kya hoti hain aapki, ki page ke edge se text kitni dur hoga, ये लेफ्ट मार्जिन हो जाएगी, टॉप बॉटम, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द राइट मार्जिन। इज इट ओके बेटा? अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, दैट इज सेटिंग द मार्जिन थ्रू पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स, तो हमने कर लिया। हम रूलर बार के थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी मैं सेशन वन में आपको करा चुकी हूँ, वी हैव ऑलरेडी डन, कि हम ये हमारा इस तरह का आइकन आ जाता है, इसके ऊपर रखेंगे हम रूलर के ऊपर जो ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, और फिर हम इसको ड्रैग कर देते हैं। ये देखो ये इसकी मार्जिन है, उस हिसाब से मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो हमारी लेंथ वाइज हो रहा है, अगर हम इस तरह कर रहे हैं मीन्स इस पे ड्रैग कर रहे हैं तो इस तरफ फ़र्क पड़ेगा हमारी मार्जिन के ऊपर, है ना, लेफ्ट और राइट का। और अगर हम इस तरह करते हैं टॉप एंड बॉटम का फ़र्क पड़ेगा बेटा मार्जिन का। नेक्स्ट आ जाता है नंबरिंग द पेजेस। अब जैसे हम लोग नंबर करना चाहते हैं पेज को, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हेडर लिया, उसमें हम सिंपल पेज लिखकर गैप देके
पेज नंबर अगर मैं इंसर्ट कर देती हूँ तो जो पेज होगा उसी का नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, मुझे नहीं सेट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू गिव। सिंपली हमने वो स्पेस वहाँ कर्सर रखना है एंड देन इंसर्ट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर फील्ड, फील्ड के अंदर पेज नंबर पे सिंपल क्लिक कर देना है हमने। और अब हम लोग अगर हम चाहते हैं पेज के ऊपर कोई स्टाइल आए, कोई बॉर्डर आए, है ना, कलरफुल में, या जो बॉर्डर दिया जा रहा है बड़ा स्टाइल में, तो वो भी हम कर सकते हैं। पेज को सिलेक्ट करो, ठीक है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन फॉर्मेट पेज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इन टैप, जैसे हमने मार्जिन वगैरह सेट की थी कहाँ से, पेज से, है ना, हेडर बनाना है तो हेडर से, फुटर नीचे लाना है, बॉटम पे कोई हम पेज पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं फुटर के थ्रू कर सकते हैं, बॉर्डर लाना है तो फॉर्मेट में पेज, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, बॉर्डर टैब पे क्लिक करेंगे, ये अलग अलग बॉर्डर्स हैं बेटा, ये फर्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं फर्स्ट सेशन, तो यू कैन गो थ्रू इट। अब उसका स्टाइल क्या हो, कलर क्या हो बॉर्डर का, आप ये इम्प्लीमेंट करके आप ओके पे कर दोगे एंड द सेम बॉर्डर विल बी अप्लाइड ऑन इट। अब ये देखो, ये भी दे रखा है, मैं और ये बता दूँ कि अगर चारों तरफ आपको बॉर्डर चाहिए, है ना, सिर्फ ऊपर या नीचे चाहिए, लेफ्ट या राइट में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बेटा। ये लाइनें कैसी आएँ, उसका कलर क्या हो, ये वाला ऑप्शन हो गया, एंड देन यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द ओके बटन बेटा। फिर आपका हेडर एंड फुटर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक तो तरीका वहीं से था फॉर्मेट में जाके पेज, और वहाँ से आप हेडर या फुटर वाला टैब सेलेक्ट कर लो। अब दूसरा तरीका है कि इंसर्ट में जाके फुटर पे क्लिक कर लो या इंसर्ट में जाके हेडर पे। ये देखो ऑल्टरनेटिव मेथड भी इन्होंने बता रखा है, तो दिस इज़ बोथ इन वे यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन इंसर्ट द हेडर एंड फुटर। और फिर पेज नंबर आ जाए, है ना, डेट आ जाए, वो हम फील्ड्स के थ्रू कर सकते हैं इंसर्ट में जाके फील्ड ऑप्शन पे क्लिक करके। फर्स्ट सेशन में ये मैं ऑलरेडी बेटा करा चुकी हूँ, आप ये प्रैक्टिकली भी देख सकते हो। ओके, थैंक्स बेटा।